कि हाँ तो एक फैसला आया है, लेकिन सरकार इसमें डबल बेंच में विशेष अपील पर जाएगी। और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बेरोजगारों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, किस तरीके से उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं, वो सभी को मालूम है। साथ ही 12,460 के लिए भी जो भी शिक्षकों को नौकरियां मिल चुकी हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। मंत्री, साधु संतों का कहना है, साधु संतों का कहना है कि बस देव दिवाली के नाम पे केवल राम भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें बहकाया जा रहा है, राम मंदिर नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, साधु संत हमारे बहुत ही पूजनीय है, आदरणीय है, जो इनकी इच्छा है वो सारे लोगों की जनभावना भी उसी से जुड़ी है। और मुझे लगता है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक संवेद एक दिशा में सोचते हैं तो उसका कोई ना कोई सर्वमान्य हल जरूर। आपका क्या मत है, मंदिर बनना चाहिए? मैंने कहा ना कि सर्वमान्य हल जरूर निकलेगा।